तारीख 30 मई 2022, समय हो गया है 08:00 PM। देखो भैया, बच्चे रंग बिरंगे और थोड़े शक्लों में थोड़े से अलग हो तो समस्या बिल्कुल भी नहीं होती। कौन कौन है ये मैडम है? मैं इन्हें समझा रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है, किसी घर परिवार में कई बार बच्चे जो हैं, क्या कहते हैं, कई बार क्या, लगभग सबके यही होते हैं, बच्चे थोड़े से रंग रूप हाइट हेल्थ में अलग अलग होते हैं। तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, इंसान के बच्चे हैं ना तो ऐसे ही होंगे, जानवर के तो है नहीं। कौए के बच्चे देखो, अंडे कोई कहीं भी हो कहीं भी, सब एक जैसे, कौए एक जैसे ही लगते हैं। सुअर का बच्चे सब लगभग एक जैसे ही होंगे, बस थोड़े थोड़े दाग धब्बे थोड़े से अलग होते हैं। गधे का बच्चे देखो लगभग एक जैसे होंगे, कोई एक आधा उसमें तो कभी डिफरेंट हो जाए। इंसान के बच्चे जो हैं वो ऐसे ही रहता है। मैं कहा ऐसे ही आश्रमों को, ये इसी डर्रे पे आश्रम चलते हैं जानवरों के मेथड पे, कि मतलब आश्रम के सारे जो है वो एक ही जैसे। ठीक है, तो मैडम मेरे से पूछती हैं एक, तो फिर आप श्री राम एक एक सिर्फ देवता प्रभु श्री राम के भक्त क्यों हो? मैंने कहा अरे पागल औरत, बाप हमेशा एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, बाप एक ही जैसा दिखना चाहिए। तो बाप भी रंग बिरंगे ढूंढ रही है क्या? बच्चे डिफरेंट तरह के हों समझ में आती है। मैं कह रहा अरे भाई हम प्रभु श्री राम के भक्त, बाप हमारा एक ही है, प्रभु श्री राम है वो। मतलब झट से पूछ लिया मैं से कि फिर आप, मतलब फिर आप जो है क्या कहते हैं प्रभु एक एक सिर्फ एक प्रभु श्री राम में क्यों भरोसा रखते हो? क्योंकि यार अब बाप एक ही होता है यार, कौन है ये लोग? हद हो गई भाई साहब।